हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल माद्री आर्ट। एंड आज मैं जा रही हूँ दिल्ली ट्रेड फेयर में, और ये लगा हुआ है प्रगति मैदान में। और अगर आप जाना चाहते हैं, इंटरेस्टेड हैं देखने में, तो आप जा सकते हैं। वहाँ पे आपको क्राफ्ट की और पेंटिंग या फिर टेक्सटाइल की, वहाँ पे सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, तो आप देख सकते हैं। और अभी मैं जा रही हूँ हॉल नंबर 4 में, जहाँ पर क्राफ्ट वगैरह की चीज़ें लगी हुई हैं। तो और मैं कोशिश करूँगी कि आपको जो चीज़ें हैं वो इजीली समझ में आए, मतलब मैं कोशिश करूँगी आपको इजीली समझाने की। और ये जो भी यहाँ पे क्लोथ्स वगैरह की सब चीज़ों की स्टॉल लगी हुई हैं, फर्स्ट टॉपिक हमारा है मधुबनी पेंटिंग। ये बिहार की पेंटिंग है और इनको हम मिथिला पेंटिंग भी कहते हैं। अगर हम इसको ट्रेडिशनल फॉर्म में देखते हैं, तो जो हाउसवाइफ होती थी वो अपने इनकम सोर्स के लिए इस पेंटिंग को करते थे। धीरे 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 ये चीज़ फेमस होने लगी, तो हम इसको अपनी पेंटिंग में, मतलब आज के टाइम में हम इसको अप्लाई करते हैं। बट बेसिकली जो है ये नेचुरल कलर से या फिर गोबर से, उस सब चीज़ों से ये बनाई जाती थी। तो अब पर आज जो है ये एक्रेलिक पेंटिंग, एक्रेलिक कलर्स में या फिर पोस्टर कलर में आप बना सकते हैं इजीली। बट अभी ये जो है ये सब पोस्टर कलर या एक्रेलिक कलर की हैं। इसमें शायद मुझे नेचुरल तो कोई लगी ही नहीं, अगर होती तो मैं ज़रूर दिखाती। और आज के टाइम में भी इन पेंटिंग का काफ़ी स्कोप है। दुलारी देवी जी ने इन पेंटिंग के थ्रू ही पद्मश्री अवार्ड प्राप्त किया है। आज का जो फर्स्ट टॉपिक था मधुबनी, वो आपको क्लियर होगा। देन अब हम आते हैं सेकंड उत्तर प्रदेश पे। तो उत्तर प्रदेश में भी काफ़ी सारी आर्ट्स हैं, तो मैं आपको दिखाऊंगी किस किस तरीके की आर्ट्स हैं। तो ये जो है ये मूर्तियाँ बनाई गई हैं, पीतल की मूर्तियाँ आप तो सभी ने देखी होंगी। बेसिकली यूपी की साइड जो ना थोड़ा सा पूजा पाठ और भगवान इन सब चीज़ों को ज़्यादा ही, मतलब आई थिंक वैल्यू दी जाती है। मतलब मैं वहाँ की हूँ तो मुझे इतने पता है, थोड़ा सा नॉलेज है। तो ये जो है ये कठपुतलियाँ नहीं है, ये देवी जी हैं, मतलब भगवान जी की मूर्तियाँ हैं जितनी भी हैं। लग ऐसा ना है कि वो कठपुतली टाइप, बट वो बनाई ऐसी हैं। आप देख सकते हैं कानपुर से है और जूट क्राफ्ट है ये, तो आप देख सकते हैं ये सब जूट से बना हुआ है। और ये जो मैं अभी आपको दिखा रही हूँ ये है दरी। दरी जितनी भी दरी आपने देखी होंगी, उनके धागों से बनाई गई हैं। दरी और ऊन मिक्स करके ये पेंटिंग्स बनाई गई हैं। और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है पॉटरी। तो पॉटरी जो है वो खुर्जा से है और मैं भी वहाँ से बिलोंग करती हूँ, तो मेरे को इन सब चीज़ों की थोड़ी सी नॉलेज है। तो मतलब काफ़ी अच्छी पॉटरीज वहाँ पे बनाई जाती हैं, वो इसीलिए वो फेमस है। मतलब है छोटा सा बट काफ़ी ज़्यादा वहाँ की चीज़ें फेमस हैं। एंड अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है पटचित्र। पटचित्र जो है वो है पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में ज़्यादा बदतर बनाया जाता है। और ये एक ताड़ पत्र पर बनाया जाता है, एक सुई टाइप की होती है। अभी इन्होंने दिखाई थी बट मैं उसकी वीडियो नहीं कर पाई कैप्चर। तो एक सुई टाइप की होती है और उसको ताड़ पत्र पे हम उसको कार्व करते हैं। देन उसके बाद जो हमारा नेचुरल कलर है उसको हम भरते हैं, मतलब उसमें जो हमारा पत्ता है पूरा ताड़ पत्र, उस पर हम भर देते हैं। देन उसको हम क्लीन कर देते हैं। फिर उसके बाद आप देख सकते हैं अभी ये जो है ये पूरा ओरिजिनल, मतलब नेचुरल है, बनाया गया है बिल्कुल ट्रेडिशनल वे में, बनाई गई हैं जिस तरीके से मैंने आपको बताया है। तो आप देख सकते हैं बहुत ही डिटेलिंग में ड्राइंग होगी, बहुत छोटी छोटी सी ड्राइंग है वहाँ पे। एंड देन अब यही सब चीज़ें थी थोड़ी बहुत क्राफ्टिंग की, तो जो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो अभी हम थोड़ा सा उसके बाद ऐसे ही घूम रहे थे और अब मैं थोड़ा सा लंच कर लेती। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑर्गेनिक सोप्स एंड ऑर्गेनिक थिंग्स। तो ये सब जो थी वो बेसिकली मतलब लड़कियों के लिए थी, ऐसा कुछ नहीं है, लड़के भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं भी देख रही थी लिप बाम मेरे तो कुछ काम आ जाए, बट मुझे कुछ ऐसा खास लगा नहीं, वो कोकोनट ऑयल वाला फील दे रहा था तो मैंने नहीं लिया। और मैं देख रही थी, मतलब आप देख सकते हैं कितनी कार्विंग की हुई है इन सोप्स में भी, काफ़ी अच्छी अच्छी, मतलब स्मेल भी काफ़ी अच्छी अच्छी थी। तो कुछ मैंने ले भी लिए हैं एक दो। हम देख सकते हैं कितना प्यारा प्यारा कार्विंग इनमें की गई है, बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहे थे। यही सब क्राफ्टिंग की चीज़ें ज़्यादा थी। एंड नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो है दिल्ली का। तो अभी आप देख सकते हैं कुछ स्टॉल लगी हुई हैं दिल्ली में।
आई थिंक ये जो है ये कुछ हैंडमेड है, आई थिंक हैंग करने के लिए हैं गेट के सामने, आई थिंक हाँ गेट के बाहर हैंग वैंग करने के लिए ये सब चीज़ें हैं। तो यही सब चीज़ें थी, स्टॉल वगैरह हैं पेंटिंग्स की, सिंपल स्टॉल हैं। और कुछ कुछ चीज़ें मुझे बहुत प्यारी लगी, मतलब मेरा मन कर रहा था उनको बनाने का, या मतलब देखूँ मैं ले लूँ, बट मैंने थोड़ा सा कंट्रोल किया क्योंकि बहुत महंगे थे और मैं नहीं इतना अफोर्ड कर सकती थी कि मैं इनको अफोर्ड करूँ लेकर। तो आप देख सकते हैं कितना ब्यूटीफुल लगा था वो, मतलब दीवार पे या फिर आप अपने स्टूडियो में कहीं पे भी लगा सकते हैं इन सब चीज़ों को। और ये कुछ रेम्ब्रांड का पोर्ट्रेट है आई थिंक, यस। एंड यही सब चीज़ें थी बनाने के लिए। एंड देन अब मेरा टॉपिक है हिमाचल प्रदेश। आई थिंक कुछ ज़्यादा मुझे खास लगा नहीं, मतलब इस टाइम इस बार कुछ ज़्यादा खास मतलब लगाया नहीं था। और ये कुछ कुछ बनाए हुए चीज़ें थी हैंडमेड, तो मैं वही आपको दिखा रही हूँ कि क्या क्या चीज़ें थी, मतलब कुछ कुछ पोर्शंस थे जिसमें कुछ था। एंड देन हम आते हैं त्रिपुरा पे। त्रिपुरा में मुझे काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें देखने को मिली, हैंडमेड थी और बहुत इजीली मतलब चीप रेट में थी। आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी कार्विंग की हुई है और बहुत ही सस्ता है, ज़्यादा कुछ महंगा नहीं है। और ये कुछ बैग टाइप का था आई थिंक, ये रखने के लिए है, मतलब आप इसमें कुछ भी अपने ज्वेलरी वगैरह रख सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ 100 रुपीज़ में। तो इससे ज़्यादा सस्ता तो कुछ और हो ही नहीं सकता। हैंडमेड चीज़ें जो होती हैं वो मतलब इजीली सस्ती मिलती नहीं है, यहाँ पे काफ़ी सस्ता मुझे प्राइस लगा, ज़्यादा महंगा नहीं था इस जगह त्रिपुरा की तरफ। एंड अब मैं जो हूँ, अब मैं हूँ आई थिंक लैम्प वगैरह की शॉप्स हैं और डेकोरेशन की भी शॉप है, बट काफ़ी महंगी थी ये चीज़ें तो इतना मैं अफोर्ड नहीं कर सकती। ये जो अंकल हैं ये बना रहे थे हैंडमेड टूल, मतलब फॉग वगैरह एंड स्पून वगैरह ये सब हैंडमेड बन रही थी वहाँ पे। बहुत अच्छे लग रहे थे देखने में, आप देख सकते हैं बहुत ही प्यारे और अच्छे। यही सब चीज़ें थी। और एक चीज़ मैं आपको दिखाती हूँ कि हम धागा कैसे बनाते हैं। तो ये रेशम का धागा है आई थिंक, और ये जो है ये मशीन है, ये जो है ये जो रेशम का कीड़ा होता है उसको इसमें बॉईल करते हैं, आप देख सकते हैं उसमें से, मतलब वो पूरा जो अभी आपने देखा वो पूरा धागा था उसके ऊपर, देन उसके बाद जब वो खाली हो जाता है तो ऐसा निकलता है, पूरा ब्लैक हो जाता है। आज की वीडियो में यही सब था। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।